अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पढ़ा था वो हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था जो कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था। अब अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो तो उसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में बेसिकली क्या होता है कि हम जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स के अगर रिस्पेक्ट डिफाइन है, सपोज एक्स और वाई के कोरस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसमें हम अगर रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसका फंक्शन का को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम जो सेकंड वेरिएबल है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और जो बाकी फंक्शन है उसको जो एक्स वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो इसमें क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो एक्स है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस पर डिफाइन होता है और इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट करेंगे और दूसरा जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम पहले यहाँ देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। अभी एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट जो है ये कोई भी हमारे पास इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के डोमेन का पॉइंट होगा, इस डोमेन के पॉइंट पर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स या ये जो सिंबल है इसको हम डेल बोलेंगे। ठीक है, यह है तो पार्शियल डेरिवेटिव लेकिन हम इसको रीड कैसे करेंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई वेरिएबल जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे हम उसे। इसी तरह वेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसमें क्या हो गया, डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स नॉट, अब एक्स नॉट में एच नहीं ऐड करना, वाई नॉट जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना तो वाई में वाई नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच के करस्पॉन्डिंग इसको हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको डिफाइन करते हैं। ये तो बात होगी जो हम स्टार्ट में हमने लिमिट की सॉरी जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी उसमें भी हम इसको बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, उसमें भी हमने इसी तरह लिमिट के करस्पॉन्डिंग उसकी डेफिनेशन डिफाइन की थी। नेक्स्ट उसके कुछ रूल्स थे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन के, तो वही रूल्स जो हैं अब डिफ्रेंसिएशन के हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। अब ये नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ए पॉइंट, उसमें फंक्शन क्या है, हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स कैलकुलेट करना है, ऑल्सो डेल एफ ओवर डेल वाई कैलकुलेट करना है एट पॉइंट, पॉइंट गिवन है 4-5 इफ फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया दैट डेल एफ ओवर डेल एक्स दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो y वेरिएबल है वो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट होगा और अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। वो किस तरीके से लेंगे, यहाँ से क्या करो, डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हर टर्म पर सेपरेट अप्लाई कर दिया। अब डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया। अब हमें यहाँ क्या लेना है, पीछे रह गया एक्स वाई, डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स का और वाई जो है वो एज इट इज़ कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, 3 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और वाई जो है कांस्टेंट है तो वो साथ में ऐसे ही आ गया, प्लस पार्शियल ओवर डेल एक्स वाई का लेना है। अब चूंकि यहाँ पे एक्स तो वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस पार्शियल 1 ओवर पार्शियल एक्स दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स क्या आ गया, 2x प्लस 3y। ठीक है, अगर x साथ में फंक्शन के अंदर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को डिफ्रेंशिएट करो और जो y वेरिएबल है उसको कांस्टेंट लो। और अगर x नहीं आ रहा तो जो सिंपल बाकी फंक्शन होगा वो हमारे पास उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी पैटर्न पे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक नेक्स्ट स्टेप देखें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया था, 2x प्लस 3y, जबकि उसने क्या दिया हुआ है कि हमने इस पॉइंट 4 माइनस 5 पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। 4 माइनस 5 का मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू माइनस 5 है, तो वैल्यू उसमें पुट की तो 8 प्लस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 आ गया। और यहाँ से हमारे पास इसकी क्या आंसर आ गया, दैट इज माइनस 7। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट 4 माइनस 5 इज माइनस 7। ठीक है, सिमिलरली इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करो, तो पार्शियल एक्स स्क्वेयर ओवर पार्शियल वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स जो है वो कांस्टेंट रेट होगा और जो वाई वैल्यूज हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, इस केस में भी वाई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 3 पार्शियल ओवर डेल ओवर डेल वाई 3xy। अब x ऐसे ही आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 1 प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल y, दैट इज ऑल्सो 1 माइनस 0। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 3x आ गया। ठीक है, 3x प्लस 1 आ गया। अब चूंकि हम इस पॉइंट पर डिफाइन करें 4 माइनस 5 पे, तो x की वैल्यू 4 है, 3 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 1 एंड इट इज 13। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दिस पॉइंट 4 माइनस 5 इज 13। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है, फाइंड डेल एफ ओवर डेल वाई इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल वाई साइन एक्स वाई। अब इसमें क्या हो गया, एक्स जो है फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या किया, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, फंक्शन की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेल ओवर डेल वाई साइन एक्स वाई प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव डेल वाई ओवर डेल वाई। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लें। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन दैट इज कॉस एक्स वाई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू एक्स वाई, साथ में इसके एंगल का भी डेरिवेटिव आ जाएगा ना बाय चेन रूल, प्लस साइन एक्स वाई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, वाई कॉस एक्स वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो एक्स वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी और वाई का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो इसको पीछे क्या रह गया एक्स आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ स्टार्ट में लिख लिया, प्लस साइन एक्स वाई, ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास दिस फंक्शन वाई साइन एक्स वाई का। एग्जाम्पल 3 में क्या है, एफ एक्स एंड एफ वाई कैलकुलेट करना है ऑफ दिस फंक्शन जो कि हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म है। पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशंस डिफरेंट है, इसको हम जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या एफ और उसके जो है सब्सक्रिप्ट में हम अगर x लिखें तो वो भी हमारे पास किसको डोनेट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x f विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इस फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो मैं अप्लाई करती हूँ। ठीक है, ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, अब यहाँ से देख लें क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, वाई प्लस कॉस एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स तो है ही नहीं, वाई वेरिएबल है, जीरो माइनस टू वाई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स दैट इज ज़ीरो प्लस कॉस का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज
माइनस साइन, माइनस साइन एक्स ओवर वाई प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ गया वाई प्लस कॉस एक्स प्लस टू वाई साइन एक्स ओवर वाई प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास इस फंक्शन टू वाई ओवर वाई प्लस कॉस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेम पैटर्न पे आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये मैं सॉल्व नहीं कर रही, ये आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। अब एग्जांपल फोर है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है डेल जी ओवर डेल एक्स। जी जो है वो फंक्शन है टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का। अब इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसके ऊपर अगर हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दें हर टर्म के ऊपर सेपरेट, ठीक है। इसको मैंने ये सॉल्व किया है, देखें पहले पार्शियल डेरिवेटिव हर टर्म पर सेपरेट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या करें हैं, डेल ओवर डेल एक्स वाई जेड कैलकुलेट करें। तो वाई जो कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, वाई ऐसे ही आ गया। और जेड अभी मैंने बताया किसका फंक्शन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स का है क्योंकि इसमें एक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमने वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स एल एन जी दैट इज इक्वल टू वन ओवर जी एंड जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑल्सो। सो पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जीरो, वाई के का जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज जीरो। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और ये भी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स था, वाई माइनस वन ओवर जी कॉमन आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स क्या आ गया, दैट इज जी ओवर वाई जी माइनस वन, ये देखें, ठीक है। होपफुली इट विल बी क्लियर टू नाउ। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे।